Hint. I hope you all are fine. Today we will do an activity. So, आज हम लैंप बनाएंगे, ओके? तो लैंप बनाने के लिए हमको टू कलर पेपर चाहिए. आप अपनी पसंद के कोई भी टू कलर पेपर ले सकते हैं. एंड सीजर एंड ग्लू. सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. मैम ने ब्लू कलर का पेपर लिया है. इसको आप सबसे पहले इसको हाफ फोल्ड करेंगे लाइक दिस. इसको हाफ करेंगे. आपको ऐसे पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, ओके? इक्वल इक्वल फोल्ड होना चाहिए. अब हम इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं मैम ने ड्रॉ करी है लाइंस. आप भी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे लाइन. अब हम सीजर से इन लाइंस को कट करेंगे. आप जो छोटे बच्चे हैं वो सीजर से कट नहीं करेंगे, वो अपनी मम्मा को देंगे सीजर, वो कट करके आपको देंगे, ओके? आपको सिर्फ इतना कट करना है, जो आपकी छोटी फिंगर है ना, वो सिर्फ ये चेक करना है कि आप सिर्फ इतना करोगे अपनी छोटी फिंगर के अकॉर्डिंग. जहां तक आपकी छोटी फिंगर फिनिश होगी सिर्फ वहीं तक आप कट करोगे, ओके? ऐसे ही आप दूसरी लाइन को कट करोगे. इसको भी आप इक्वली, जहां तक हमने फर्स्ट लाइन को कट किया है वहीं तक कट करेंगे. बस स्टॉप, ओके? इसी तरह हम सारी लाइंस को कट कर देंगे, ओके? तो मैम ने सारी कटिंग्स कर दिया लाइंस की, तो आपको भी ऐसे कटिंग करना है, ठीक है? उसके बाद आप इसको ओपन करोगे और यहां से इसे रोल करोगे. और यहां पे आप स्टेपलर का यूज भी कर सकते हैं, ग्लू भी यूज कर सकते हैं. मैम ग्लू यूज कर रही हैं. यहां पे आप ग्लू का यूज करोगे, ऐसे ग्लू लगा लेना और इसको यहां पे पेस्ट कर देना. और यहां पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, ये ग्लू लगाएंगे. ओके, हमारा लैंप कितना सुंदर लग रहा है ना. अब हम थ्री स्ट्रिप्स काटेंगे. दो हम सेम साइज की काटेंगे, थोड़ी सी मोटी. मैम ने स्केल का साइज दिया है, जो स्केल है ना इसका साइज लिया है. आप भी सेम ले सकते हैं. और ये पतली है, इसको इसका हाफ लिया है मैम ने. तो आप भी ऐसे करना थ्री स्ट्रिप्स में, मम्मा से कट करवा लेना, ओके? ये सबसे पतली होनी चाहिए और ये दोनों का साइज सेम होना चाहिए. हमने जो सबसे पतली वाली स्ट्रिप काटी है ना, उसको हम हैंग करने के लिए पेस्ट करेंगे. सो हम अंदर से पेस्ट करेंगे. हम इसमें ग्लू लगाएंगे. जो ये हमारी ब्रॉड वाली स्ट्रिप है, इसको हम इसके ऐसे लगा देंगे, कवर कर देंगे. ऊपर का जो फेस है ना, उसको इसे कवर कर देंगे, ओके? सो ये हमारा लैंप जो है वो कंप्लीट हो गया है. आपने देखा कि मैम ने यहाँ पे और यहाँ पे बाउंड्री बना दी है. तो आप स्पार्कल शीट का भी यूज कर सकते हैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए. सो आपको भी ऐसे ही लैंप बनाना है और छोटी सी वीडियो मैम को सेंड करनी है. बाय, हैप्पी दिवाली.